पोंग बांध की महाराणा प्रताप झील का जलस्तर बढ़कर आज 1386.90 तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से मात्र 3 फीट नीचे है, जबकि पोंग बांध की भरण क्षमता 1400 फीट है और बीवीएमबी भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड पिछले लंबे समय से पोंग बांध को 1390 फीट तक ही भरा जाता है, जिसको लेकर आज डीसी होशियारपुर ईशा कालिया द्वारा बीवीएमबी मुख्य कार्यकारी अभियंता राज सिंह राठौर के साथ बांध का निरीक्षण किया। ये बात लोगों में भय की स्थिति है कि पानी कभी भी छोड़ा जा रहा है, उसको लेकर प्रबंध क्या है? देखिए, एक तो स्थिति मैं दसना चाहनी है इस माध्यम से, बिल्कुल सामान्य है। जिहड़ा बीबीएमबी ने ताकि वाटर 20 दिन बाद भी रेगुलेटेड रहे, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इन्होंने ने डिसीजन लिता है कि 14,000 क्यूसेक्स ये स्पिलवे तो रिलीज किया जाएगा, बट वो भी अभी श्योर नहीं है क्योंकि इनफ्लो पानी का जो पीछे तो अभी देखिए वो 19,000 अराउंड हो गया है, तो ऑलरेडी 12,000 क्यूसेक्स पानी अपना टर्बाइन तो रिलीज़ किया ही जा रहा सेगा, तो जे पानी इनफ्लो ही खत्म हो जाता है तो फिर तो रिलीज़ करने की भी लोड जरूरी नहीं है कि गेट्स या स्पिलवे खुले जान। तो बिल्कुल स्थिति सामान्य है, किसी भी तरीके की कुछ भी घबराने की लोड नहीं है, ऐसे आज फर्स्ट हैंड भी इतने देखिया है। इट इज़ जस्ट अ प्रिकॉशन ताकि कुशन मेनटेन किया जाए 1387 का, जे 20 दिन तो बाद भी ज़्यादा मीह पैंदा है तो तब कोई स्थिति इदा दी उत्पन्न ना होए, तो इट इज़ जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर जस्ट टू मेनटेन अ बफर एंड अ कुशन। एंड उस तो अलावा क्योंकि सानू हर स्थिति वास्ते तैयार रहना पैंदा है, तो असी जिहड़े जिहड़े अपने पिंड सीगे वल्नरेबल सीगे उत्थे सारे सैक्टर ऑफिसर्स असी नियुक्त किए ने, उत्थे हेल्थ का बंदा, एनिमल हसबेंडरी, फूड डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, उन सारिआं दी 4 मैंबरी टीम बना के उस सारिआं ने अपने पिंड विजिट कर दिते ने, ताकि उन्हां दे विच पंचायत दे नाल उत्थे दे पटवारी कानूंगो लंबड़दार जिन्ने भी मौतवार बंदे उन्हां दे नाल तालमेल हो, बट फिर भी कोई भी पैनिक दी किसी भी तरीके की कोई गल नहीं है। रूटीन विच भी 10,000-12,000 क्यूसिक्स रिलीज़ किया जाता है, तो उस विच कोई भी किसी तरीके की सिचुएशन दी नहीं है, पानी का लेवल अजे काफ़ी डाउन है, सिर्फ ये पानी जो रिलीज़ भी हुंदा है अभी भी वो नहीं पता कि जे पीछे क्योंकि इनफ्लो घट गया तो रिलीज़ करने की चाहे लोड़ ही ना पाए, जो रिलीज़ भी हुंदा है फिर भी ऑलमोस्ट 1.5 फीट ही पानी उत्ते रिवर का वधेगा, एंड अभी बहुत अराउंड 8 फीट का गैप अभी भी है, तो किसी भी तरीके की कोई भी घबराने की लोड़ किसी नु भी नहीं है, तो ना ही कुछ पैनिक करने की लोड़ है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। 26,000 क्यूसिक पानी छड़न की जी गल की जाती है, उसमें देखिए 26,000 का ये है कि 12,000 क्यूसिक तो वैसे ही टर्बाइनस तो हो रहा है, रेगूलरली चल रहा है वो, उस तो अलावा जे मान लो इनफ्लो बढ़ जाता है तो सिर्फ एक बफर मेनटेन कर रहे हैं बीबीएमबी 1387 पे, अभी जिदा 1385.something है, तो 87 जब होएगा तो फिर इनफ्लो चेक किया जाएगा, जे इनफ्लो उस टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि 12,000 क्यूसेक तो इदा ही निकल रहा है टर्बाइनस तो, जे इनफ्लो बढ़ता है तो फिर गेट्स स्पिलवेज खुले जाएंगे, बट उस विच भी सिर्फ 14,000 क्यूसेक जे होता है जो कि अभी नहीं लग रहा है क्योंकि इनफ्लो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, 19,000 समथिंग हो गया, तो उस टाइम जे स्पिलवेज खुले भी जाते हैं फिर भी 14,000 क्यूसेक रिलीज़ किया जाएगा, जो कि एक प्रिकॉशनरी मेजर है, उस विच किसी तरीके की फ्लड दी स्थिति या किसी भी तरीके दी और खतरनाक स्थिति नहीं बनेगी। पर मैम जी आप गल करिए कि जिस तरह मनेदी करवाई है दरिया के किनारे रहने वाले हर एक लोग को जो अलर्ट लेके आ गया है, देखिए पता की होंदा है, असी सारे ही मीडिया राही भी अपने DPRO राही भी यही प्रेस रिलीज दिता है कि यस, ये इन्फॉर्मेशन सानू भी बीबीएमबी तो आई है कि 14,000 क्यूसेक स्पिल गेट से 12,000 क्यूसेक अपने जिहड़ा टर्बाइन है इस दे राही 26,000 क्यूसेक रिलीज़ किया जा रहा है, जिदा मैं दस रही हूँ टर्बाइन तो वैसे भी पहला चल रही हैं और जो स्पिलवे चैनल सिर्फ एक बफर मेनटेन करने वास्ते जे खोलन की लोड़ पे, जो कि अज नहीं लग रहा कि पेगी क्योंकि इनफ्लो ही 19,000 हो गया है, चाहे वो अज हो, 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, एस प्रशासन साड़ी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि असी हर तरीके से चौकस रहिए ताकि साढ़े अफसर जिहड़े ने उन्हां दा आपस विच पिंडां दे लोकां दे नाल कोआर्डीनेशन होए, इसलिए असीं उन्हां दी विजिट जरूर कराई है, बट उन्हां ने जाके यही किया है कि पैनिक करन दी जरूरत नहीं है, बट तैयारी हर चीज़ दी होनी चाहिए है, उन्हां नूं पता होना चाहिए कि रेलीवेंट नंबर्स ने, की रेलीवेंट थावां ने जिथे वो जा सकते हैं, बट किसी भी तरीके का कोई पैनिक नहीं है। थैंक यू। एंस्टा न्यूज़ के लिए मुकेरिया से जॉनी गेरा की रिपोर्ट।